कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहां होंगे। और मत ढूंढा करो फिजाओं की इन धुंध हवाओं में हमें, हम मुसाफिरों के ठिकाने का भी एक जगह नहीं हुआ करते। जैसे कि आपको बार बार इस बात से आगाह किया जा रहा है कि ये सारे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका विस्टा के ही संग आपको बराह रास्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा टाइम 8:35 हो चुका है। सबसे पहले बच्चों का बड़ा स्पेशल शो पपट शो होगा, जिसमें मुख्तलिफ कार्टून करेक्टर्स आपसे बोलेंगे, आपसे बातें करेंगे और लाइव स्टोरीज में आपको बड़ा एंजॉय करेंगे। सबसे पहले पपट शो होगा। स्क्रीन यहाँ पे हमने लगा दी है, तो आपने फोकस स्क्रीन पे करना है, तो इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम देखने का बड़ा मजा आएगा। जी रेडी, और बढ़ते हैं जी इंशाल्लाह हम अपने पहले शो पपट शो की जानिब। जी ऑफिस तो खोल लिया है, सेक्रेटरी भी रखी हुई है, अखबार में इश्तहार दिया है ऑफिस असिस्टेंट का। हैरत की बात है, इतनी बेरोजगारी है लेकिन अभी तक कोई भी जो है नौकरी के लिए नहीं आया। पढ़ा लिखा सेक्रेटरी से बोलता हूँ, कोई भी आया उसे भेज दे अपना सेक्रेटरी। आराम से बोलो। आराम से क्यों बोलूं, तनख्वाह तो देते नहीं, सिर्फ धोसे जमाते रहते हो। भाई इस तरह की बातें नहीं करते, समझे कि नहीं? जब कोई आया ना उसके सामने ये बात मत कहना, समझे कि नहीं? अच्छा समझ गई। हाँ, अच्छा बात सुनो, इंटरव्यू के लिए जो भी आया उसे अंदर भेज देना। जो भी आए भेज दूं? हाँ हाँ, अरे जो भी आए भेज दो, आज मैं बहुत बड़ा सांप बन के कुर्सी में बैठा हूँ। अच्छा ठीक है भेज दूंगी। हाँ जो भी आए भेज देना। भाई कोई आया? सर सांप आए, भेज दो उन्हें। हाँ हाँ भेजो जल्दी से। भेज दो? हाँ भाई भेजो। पक्का? ओ भेजो। देखे भाई कौन आया है, आज तो मैं साहब बन के बैठा हुआ हूँ कुर्सी पर। अरे भाई कौन है दरवाजे पर, आ जाइए अंदर आ जाइए। अरे भाई आप ही जाओ। अरे क्या दरवाजा तोड़ोगे, अंदर आ जाओ। वो खुश है ये बताओ कि अपना ये ऑफिस का मलिक तुम ही है? हाँ मैं इस ऑफिस का मालिक हूँ। तुम्हारे नाम है अपना सेठ अब्दुल कद्दूस बगैर दाने वाला? जी 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 जी, मेरा नाम है सेठ अब्दुल कद्दूस बगैर दाने वाला। अच्छा ये बताइए कि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? कौन से व्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए मतलब नौकरी के लिए। नौकरी? अच्छा ये छोड़िए, बैठिए कुर्सी बैठिए। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? वो खोच है हमारे नाम है पिस्तागुल। पिस्तागुल? अच्छा आपके अब्बू का क्या नाम है? वो खोच है हमारे अब्बे का नाम है बादाम गुल। बादाम गुल? आपके दादा का क्या नाम है? वो खोच है अखरोट खान। अभी अब तुम हमारा दादी का नाम नहीं पूछेगा। आपके दादे का, दादी का नाम चले बता दे भाई, आप अपनी दादी। हमारे दादी का नाम है मूंगफली। ये क्या पूरा ड्राई फ्रूट लगता है इकट्ठा हुआ है। अच्छा वैसे आप इस चीज को छोड़िए, ये बताइए कि आपको टाइपिंग आती है? टेपिंग? टेपिंग अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे आते हैं। हमारे घर में तीन तीन टेप रिकॉर्डर है, एक पे पश्चो गड़ा, एक पे उर्दू गड़ा, एक पे अंग्रेजी गड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक पे अंग्रेजी गाना। अंग्रेजी समझ में नहीं आता है ना यार, इससे लगा है। अच्छा मैं बहरहाल वो टेपिंग की बात नहीं कर रहा, मैं टाइपिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, समझ गई समझ गई। हम तुम वो वाला टेपिंग का बात करते हैं जिधर से तार रुपए ऐसी है नंगा उठे उधर से उसके ऊपर टेप लगाती है। अरे नहीं भैया वो वाली टेपिंग नहीं, मैं टाइपिंग। खैर छोड़िए, ये बताइए शॉर्ट हैंड आती है? शॉर्ट हैंड? हैंड माने तो हाथ होता है, शॉर्ट माने क्या होता है? शॉर्ट के माने होते छोटा। शॉर्ट हैंड मतलब छोटा हाथ। यार हमारा हाथ तो बड़ा लंबा लंबा है, हमें छोटा हाथ का, हम हाथ कटवा दे क्या छोटा हाथ करने को? अरे भैया अच्छा ये छोड़िए, अच्छा ये बताइए आप माशाल्लाह कितने पढ़े लिखे? वो अल्लाह का करम है, पढ़ा लिखा बहुत है यार, पढ़ा लिखा बहुत है। माशाल्लाह कितना पढ़े लिखे हैं, एमए किया हुआ है? एमए? ये कौन सा कबूतर होता है यार? ये बताइए बीए किया हुआ? बीए? ये कौन सा तोता है? अच्छा
ये बताइए आपने कितना पढ़ा हुआ है? मैट्रिक किया हुआ है? मैट्रिक? हमारे इलाके में मैट्रिक टन होता है, मैट्रिक नहीं होता है। हैं? मैट्रिक टन? आप कितना पढ़े हुए? उयाला का करा में हमने पूरा 7 साल। माशाल्लाह 7 साल बहुत कुछ पढ़ा होगा। हमने पूरा 7 साल पहली जमात में पढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे भाई, आपको ना टाइपिंग आती है, ना आपको शॉर्ट हैंड आती है, ना आप पढ़े लिखे हैं, तो आप कौन सी नौकरी के लिए आए? नौकरी? नौकरी? हम नौकरी करेंगे? हम नौकरी का वास्ते थोड़ी है। तो फिर आप किस लिए आए हैं? तुमने पिछले 10 दिन से हमारा चेक का बिल नहीं दिया है। हम चेक का बिल लेने आए। बाबा बाबा, अच्छा खान साहब होटल वाले सेक्रेटरी ने किसको भेज दिया? वो खोचा हमारा बिल का पैसा निकालो। नौकरी का बच्चा सेक्रेटरी ने किसको भेज दिया? आपने तो कहा था कि भेज देना है। अच्छा खान साहब आप बैठे, मैं आपकी चाय के अभी पैसे लेकर आता हूँ। जल्दी आओ जल्दी। आपकी तारीफ होनी चाहिए कि प्रॉपर शो के लिए। अफजल माइकल साहब बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम यहाँ का जो चला रहे थे, तो अब आपको बताते जाने कि हम बढ़ते हैं चाइना जगलिंग की जानेब। हमारे दरमियान बड़े ही खूबसूरत फनकार जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं, अपने